वीडी शर्मा ने उज्जैन उत्तर से पारस जैन को नकारा। विधायक श्री जैन ने जगदीश अग्रवाल का नाम आगे बढ़ाया। अनिल जैन, कालूहेड़ा, सुरेंद्र सांखला, सोनू गहलोत, राजेंद्र भारती अपने अपने राजनीतिक आंकड़ों के माध्यम से उम्मीदवार बनने को आतुर। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उज्जैन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावी समर में उज्जैन उत्तर से विधायक पारस जैन अपनी दावेदारी को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी श्री जैन को उम्मीदवार बनाने के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के द्वारा उज्जैन उत्तर से पारस जैन को नकार देने से अभी तक इस सीट से किसी की भी उम्मीदवारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो विधायक श्री जैन ने अपने विरोध को देखते हुए विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल के नाम पर सहमति दी है। वहीं सिंधिया गुट की ओर से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की दावेदारी रखी गई है। भाजपा के पूर्व नगर जिला अध्यक्ष और प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा भी इस सीट से भाग्य आजमाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। वैसे इस सीट पर पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत भी अपनी दावेदारी को सशक्त किए हुए हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के दो बार प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेंद्र सांखला भी अपने राजनीतिक आंकड़ों के माध्यम से दावेदारी रखे हुए हैं। अब देखना यह है कि उज्जैन उत्तर से भारतीय जनता पार्टी किसको अवसर प्रदान करती है। मध्य प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्वों के द्वारा एक एक उम्मीदवार पर गहन विचार विमर्श कर प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही भाजपा की ओर से प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में से प्रत्याशियों की घोषणा की जाकर उन्हें अपने क्षेत्र में कार्य करने की हरी झंडी दे दी गई थी। वहीं उज्जैन उत्तर विधानसभा का 7 बार से प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक पारस जैन के द्वारा वृद्धावस्था के बावजूद इस बार भी अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से रखी गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के द्वारा श्री जैन के नाम को नकार दिए जाने से अभी तक इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाया है। भाजपा से जुड़े हमारे सूत्रों के मुताबिक श्री जैन अपने विरोध को ध्यान में रखते हुए अपने राजनीतिक सलाहकार विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाए जाने की सहमति दी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा भी सशक्त दावेदार के रूप में भाग्य आजमाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।